हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे कि इसकी वैकेंसीज को कहाँ निकाला गया है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए ऑल पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर, तो यहाँ पर मैं जो है अपना लाइक जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लाइक नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप CSIR JRF ICMR JRF DBT JRF गेट या अदर आप MSc लेवल के या BSc लेवल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार मेरे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो आया है यह आया KHF आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज हरदोली से, ठीक है? तो कि बांदा में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नेम सोसाइटी मेंशन कर रखा था, यंग रिवोल्यूशन पंथा थमसार, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम बात बताते हैं सब्जेक्ट्स पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा जो नॉन साइंस वाले सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही नंबर ऑफ पोस्ट भी मैंशन कर रखी है और जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है और जो वैकेंसी है क्लियर नॉट ग्रांटेड ओपन कैटेगरी में है, सारी पोजिशन जो है सारी ओपन कैटेगरी में और ये सारी जो है वो परमानेंट या फुल टाइम जो है पोस्ट हैं, ठीक है? पे स्केल जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो एज पर UGC गाइडलाइंस के अलावा के बेस पे और स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 11 सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका जो है CSIR UGC नेट भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपना PhD 2009 से पहले इनरोल किया है तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए रेगुलर मोड में। आपका PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एग्जामिनर से इवेल्युएट किया होना चाहिए। आपका ओपन PhD वाया वर्स हुआ होना चाहिए और आप अपने PhD वर्क से मिनिमम 2 पेपर्स हुए पब्लिश हुए होने चाहिए, ठीक है? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर आपने अपना PhD जो अब्रॉड से किया है तो आप जिस आपकी जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग, दा रैंकिंग या ARW रैंकिंग के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप जो यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिजिकली कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। अब बात करेगा यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है वो आपका 3 सितंबर 2021 है और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आपको अपने प्लेन पेपर में अपना लाइक परफॉर्मा या आपका अगर कोई CV है तो उसे आप अपने लाइक डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है और आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो है आपको पोस्टल ऑर्डर भी अटैच करके आपको सेंड कर देना है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर और यहाँ पे जो एड्रेस वो मैंसन कर रखा है प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर KHF आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज हरदोली एट पोस्ट हरदोली जनजात डाल मोहाती डिस्ट्रिक्ट बांद्रा 44109। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप जो है अपना CV अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स और आपको 100 रुपीज़ का जो पोस्टल ऑर्डर है वो आपको सेंड करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।